जगदलपुर में आयोजित केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम में होंगी शामिल। 25 तारीख तक पहुंचना है इन्हें जगदलपुर। लगभग 1600 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं डेयर डेविल्स। इस खबर पर संवाददाता स्वाति कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ रही है रायपुर से। स्वाति, एक 1600 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है डेयर डेविल्स और हैरत अंगेज कारनामे करके दिखाती हैं। एक राइड पर निकली हुई हैं, पूरे देश में भ्रमण कर रही हैं। क्या कुछ खास होने वाला है आज रायपुर में? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली से 9 मार्च से लगभग निकली हुई है, 16 से 17 दिन जो है वो हो चुका है इनको सफर करते हुए। इस समय इनके डिप्टी कमांडेंट जो नैना यादव जी हैं सीआरपीएफ में, तारा यादव जी जो है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जान लेते हैं कि उनका पूरा एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा मैम आपके। हम 9 तारीख को दिल्ली से निकले हैं और 1848 किलोमीटर की दूरी करके जगदलपुर में 25 तारीख को पहुंचेंगे। तो जहां भी, जिस भी स्टेट में, जिस भी गली से, जिस भी मोहल्ले से हम निकले हैं, सब लोगों ने बहुत ही अच्छा हमारा स्वागत किया है। और इतनी लंबी यात्रा पे हम पहली बार निकले हैं तो हमको लग रहा था कि हो सकता है कोई कठिनाई आएंगी, लेकिन ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है और हम बहुत अच्छे से आ रहे हैं यहाँ पे। और अभी जहाँ भी पहुँचते हैं तो वहाँ लोगों का इंतजार, हमारे लिए जो इंतजार कर रहे हैं, जो हमारे लिए फूल मालाएं बरसाते हैं, जो बीच बीच में खाने के लिए कोई बिस्किट दे रहा है, कोई पानी की बोतल दे रहा है, कोई फ्रूटियां दे रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा स्वागत कर रहे हैं लोग बस। और वो बोलते हैं कि रास्ते में फूल बिछा के रखेंगे, लेकिन वे लोग तो हमारे लिए पलके बिछा के रखे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जी बिल्कुल, नवरात्रि का भी सीजन आ चुका है, प्रदेश में, देश में अलग माहौल है इस समय भक्तिभाव का। उस बीच में आप छत्तीसगढ़ में पहुंची है यहाँ पर, और आप लोग हैरत अंगेज कारनामे जो है वो हर बार देश को करके दिखाती है और कहती है कि बेटियां कम नहीं है। तो ऐसा ही कुछ, चूंकि मैं आपको देखकर अंदाजा लगा पा रही हूँ कि खैर आप लोग थक गए हैं और आपकी उम्र भी एक बात कह रही है, लेकिन उस उम्र में भी आप लोग वहां से यहां तक चल के आ रही हैं। मैं 86 की भर्ती हूँ, 37 साल मेरा उम्र हो गया, सर्विस हो गया है, और 56 साल मेरा उम्र हो गया है, लेकिन हमारे अंदर पूरा जज्बा है देश के प्रति। और आप लोगों के लिए हम ये संदेश दे रहे हैं, शक्ति सशक्तिकरण का एक, स्त्री सशक्तिकरण का एक ये माहौल है। और अब 75वां आपने देखा है, उनसे सवाल पूछिए जो स्टंट को परफॉर्म करती है उसके लिए कितनी प्रैक्टिस उन्हें करनी पड़ती है उनकी टीम के साथ। हमारे दर्शक आपसे बिल्कुल जानना चाह रहे हैं कि आप हैरत अंगेज कारनामे करके देश को हमेशा आश्चर्यचकित करती हैं, उसमें आपको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है? एक्चुअल में आज तक मेरा 37 साल सर्विस हो गया है, तो हमने हर काम किया था। राइफल हम चला रहे थे, पिस्टल हम चला रहे, जितने भी हथियार हैं हम सब चला रहे थे, 2 इंच मोटर से हमने बम तक चलाए, आपके ऑब्स्टिकल है वो हम कर रहे थे, अपना सारा काम कर रहे थे। तो अभी दिमाग में आया कि नहीं, कुछ हटके करें, तो हटके करें। तो आजकल की कॉलेज गोइंग लड़कियां जितनी भी हैं उनको बाइक का बड़ा शौक है, लेकिन माँ बाप उस बाइक को उनको चलाने के लिए मना करते हैं। तो हमने देखा कि जब लड़कियों का जब यही जज्बा है तो क्यों ना एक बार हम ही इस पे ट्राई कर ले, तो उसी बेस पे हम उसके लिए ट्राई किया। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। और जितनी भी आप महिलाएं हैं, हम उनको यही संदेश देते हैं कि नहीं, अबला नहीं है, नारी अबला नहीं है, नारी सबला है। आप हिम्मत रखिए, आप सब, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी सब कुछ कर सकती हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति।